हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर स्पेशल सीरीज ऑफ हिंदी टू इंग्लिश डेली कॉन्वर्सेशन सेंटेंसेस, जिसमें हम आपको सिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग। तो करना क्या होगा आपको आज के इस वीडियो में कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा हिंदी का सेंटेंस जो कि अक्सर आप अपनी आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, और उसकी दिखाई जाएगी साथ ही आपको इंग्लिश। सो आप जहाँ भी बैठे हुए हो अपने घर में, आपको हमारे साथ रिपीट करना है वो इंग्लिश का सेंटेंस, सो दैट यू कैन ऑल्सो लर्न अलॉन्ग विद अस। सो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए आज का ये वीडियो। एंड बिफोर प्रोसीडिंग विद दिस वीडियो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स। मुझे चकमा देने की कोशिश मत करो। चकमा देना मतलब किसी को धोखा देना। तो अगर आपको इसको इंग्लिश में बोलना है, आप कहेंगे डोंट टेक मी फॉर अ राइड, डोंट टेक मी फॉर अ राइड। सिंपल भाषा में आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट चीट मी, डोंट चीट मी। बट यू कैन ऑल्सो से दैट इन एन इफेक्टिव वे, डोंट टेक मी फॉर अ राइड। वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है, किसी के चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वो इंजर्ड हो जाता है, तब आप बोलते हो वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी है। ही इज़ शी इज़ सीरियसली इंजर्ड, ही इज़ सीरियसली इंजर्ड। शायद मैं कोशिश कर सकती हूँ, अगर आपने किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में शायद को यूज़ करना है गाइस, तो आप इंग्लिश में इसको बोलेंगे मे बी और प्रोबेबली। समटाइम्स हम perhaps का यूज़ कर लेते हैं शायद के लिए, पर सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा perhaps का इस्तेमाल नहीं किया जाता। probably और maybe, I can try, probably I can try, maybe I can try। मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। किसी चीज़ का आपको बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता कि ये कैसे होगा और ये कैसे हुआ, राइट? सो यू कैन से दैट इन इंग्लिश, आई हैव नॉट अ लिटल आइडिया अबाउट इट, आई हैव Not a little idea about it। वो बहुत बातूनी है, बहुत ज़्यादा बातें करने की जिसको आदत होती है और उसकी बातें ख़त्म ही नहीं होती, वो चुप ही नहीं करता ऐसा पर्सन, उसके लिए हम बोलते हैं ही और शी इज़ अ चैटर बॉक्स, शी इज़ अ चैटर बॉक्स। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं है। अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, तुम्हें शायद कड़वी लगे, और पर मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट मीन टू हर्ट यू, आई डोंट मीन टू हर्ट यू। अनदर इज मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। कई बार आपने ट्रेन पकड़नी है या किसी काम के लिए कहीं जल्दी निकलना है, तो अक्सर आप ऐसा बोल देते हो कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। सो वॉट इज़ दैट इन इंग्लिश, आई हैव टू गेट अप अर्ली टमोरो, आई हैव टू गेट अप अर्ली टमोरो। उसके दिल में उसके लिए स्नेह है। स्नेह इज़ अ फीलिंग आपके दिल में होती है, लेकिन इस सेंटेंस के लिए दिल की इंग्लिश कभी इस्तेमाल नहीं होती। सो आप ये नहीं पहले बोल सकते शी हैज़ लव इन हर हार्ट फॉर हर, नो, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी वियर्ड। सो हाउ डू वी से दैट इन इंग्लिश, शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर। सो हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर इज़ ऑलवेज देयर इन योर हार्ट, इसके साथ आपको हार्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। शी हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर, उसने जानबूझकर ऐसा किया, उसने जानबूझकर ऐसा किया। ही डिड इट ऑन पर्पज, ऑन पर्पज मीन्स जानबूझकर, और या फिर आप बोल सकते हो ही डिड इट डेलिब्रेटली, ही डिड इट डेलिब्रेटली। नेक्स्ट सेंटेंस इन द लाइन, मैं आपको और परेशान नहीं करूँगी, आई वॉन्ट ट्रबल यू एनी मोर, और ट्रबल की जगह आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट बॉदर यू एनी मोर। नखरे मत करो, अक्सर बच्चे नखरे करते हैं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, और एल्स मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो नहीं पहनना। तो अगर आप उन नखरों से परेशान हो जाते हो, आप बोलते हो कि नखरे मत करो, डोंट थ्रो टैंट्रम्स, डोंट थ्रो टैंट्रम्स। वो बहुत ज़िद्दी है, जब बच्चे किसी भी बात के लिए ज़िद करते हैं, शी इज़ वेरी एडमेंट, ही इज़ वेरी एडमेंट, और इसके लिए आप स्टबर्न वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाते हो। यू ऑलवेज मेक मी एंग्री, यू ऑलवेज मेक मी एंग्री, और यू कैन ऑल्सो से यू ऑलवेज एनॉय मी। एनॉय करना किसी को मतलब किसी को गुस्सा दिलाना।
वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगता है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं भी कोई जा रहा है तो आप बोलते हो कि 1 घंटे का टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। सो इट टेक्स एन आवर टू गेट देयर, इट टेक्स एन आवर टू गेट देयर। उसे शांति से सोने दो, बच्चा सो रहा है, कोई अभी अभी सोया है, शायद वो पहले बहुत परेशान था और अब चाहते हो कि अब वो आराम से सोने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। लेट हिम स्लीप कामली, लेट हिम स्लीप पीसफुली, कामली और पीसफुली दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैं पक्का उसे काम करवा दूंगी, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैं उससे काम करवा लूंगी, कि आप अपना काम किसी से करवाते हो, आई विल गेट इट डन। यहाँ पे आप किसी को किसी को करवा के दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल होमवर्क नॉर्मली टीचर करवा देते हैं, मम्मा हमेशा होमवर्क करा देती है, सो मैं पक्का उसे काम करवा दूंगी, आप टेंशन मत लो। आई विल मेक हिम डू द वर्क, काम वो खुद ही करेगा लेकिन आप अपनी सुपरविजन में उसको करवाएंगे। आई विल मेक हिम डू द वर्क। ये आसान नहीं होने वाला था। अगर आपकी हिस्ट्री में अगर ऐसी कोई बात है, आपने बहुत टफ लाइफ किया और आपको उससे पहले आपको पता है कि मैंने ये लाइफ में सोचा था ये करने का और ये बहुत मुश्किल काम था, आसान नहीं होने वाला था, दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, यू हैड डिसाइडेड टू डू समथिंग, आपने ऐसा कुछ सोचा कि आपने करने के लिए बहुत मुश्किल था एंड इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। जैसा किस्मत में लिखा था, अक्सर हम बोलते हैं जैसा किस्मत को मंजूर था वैसा हो गया, जैसा किस्मत में लिखा था वैसा हो गया। एज लक वुड हैव इट, लक की जगह आप किस्मत के लिए डेस्टिनी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एज डेस्टिनी वुड हैव इट। वह बहुत बुरे दौर से गुजर रही है, जब काफ़ी ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं किसी के और आप बोलते हो कि इस तरह काफ़ी तकलीफ़ों से गुजर रही है, काफ़ी बुरे टाइम से गुजर रही है, you would say she is going through a tough time, she is going through a tough time। 4:15 हैं टाइम के अकॉर्डिंग, अगर 4:15 होते हैं हम बोलते हैं 4:15 हैं। सो वॉट इज इट्स इंग्लिश गाइज, इट्स क्वार्टर पास्ट फोर। सो दैट वॉज इट गाइज फॉर टुडे एंड आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। सो टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग एवरी डे लाइक दिस एंड टू मेक योर इंग्लिश बेटर, don't forget to subscribe our channel and also press the bell icon so that you can get our videos time to time and that bell rings on your phone when you do that। So thank you, bye bye for today।